हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ग्लो फोटोग्राफी के बारे में देखेंगे। आपने कोलैब के फ़ोटो एडिटिंग देखी होगी, वो अपने फ़ोटो क्रिएशन को बेहतर बनाने के लिए फ़ोटोशूट करता है लाइट का इस्तेमाल करके। बट क्या ये बिना लाइट का यूज़ किए हम फोटो क्रिएशन में ग्लो लाइट इफ़ेक्ट ला सकते हैं? यस, आप कोई भी फ़ोटो में इस तरह का ग्लो ला सकते हैं, बस कुछ टेक्निक्स है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इमेज के कलेक्शन मैंने निकाल के रखे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो हमारे पास ये डे की आउटडोर फोटोग्राफी इमेज है। मैं इसे नाइट में कन्वर्ट करके ग्लो इफेक्ट दूंगा। इस लेयर को मैं रेस्टराइज करके फिर से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। फिर इस लेयर को मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर ये इमेज न्यू टैब में ओपन होगी इस तरह से। अब मैं इस इमेज को पेन टूल से कट करूंगा। यहाँ पे मैं शेप को सिलेक्ट करूंगा, ना कि पाथ को, क्योंकि जो मैं शेप क्रिएट करूंगा उसका हमें आगे चल के यूज़ होने वाला है। तो मैं इस इमेज को फटाफट कट कर लेता हूँ। शेप क्रिएट होने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल जे प्रेस करके इस इमेज को कट कीजिए। कंट्रोल जे से आपकी इमेज कट होके ऊपर के लेयर में आ जाएगी। अब मैं इस बीजी को डार्क करता हूँ एक्सप्लोजर से। तो मैं इसमें गामा इंक्रीज करता हूँ और एक्सप्लोजर को कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ही कम करता हूँ। तो इतना परफेक्ट है। अब मैं इस इमेज पे कलर बैलेंस लेता हूँ क्लिप मास्क करके। क्लिप मास्क करने के लिए अल्ट प्रेस करके लेयर के बीच में क्लिक करें। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू करता हूँ। अब मैं इस इमेज को भी डार्क करूँगा एक्सप्लोजर से इस तरह से। अब मैं इस मास्क को सिलेक्ट करके ब्रश लेता हूँ और जहाँ मुझे ग्लो चाहिए वहाँ मैं क्लिक करता हूँ इस तरह से। अब मैं इसे सेव करके क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो इफ़ेक्ट आ चुका है। अब मैं इसको कलर बैलेंस करता हूँ क्लिप मास्क करके और इसको मिडनाइट का कलर देता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ थोड़ा सा रेडिश रखता हूँ। यहाँ मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। अब ये इमेज में लेता हूँ, इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब मैं ब्रश से ग्लो क्रिएट करूँगा न्यू लेयर पे। यहाँ मैं लेयर का मोड ओवरलाई कर देता हूँ, थोड़ी सी ओपेसिटी कम, थोड़ा ग्लो बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ मास्क सिलेक्ट करके कुछ पार्ट इरेज कर देता हूँ।
अब मैं इसको ग्लो दूंगा आउटर ग्लो से। लेयर पे डबल क्लिक कीजिए और आउटर ग्लो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ कलर में मैं येलो सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा सेटिंग में एडजस्ट कर लेता हूँ। ये ठीक है, मैं भी नहीं। इसमें मैं मोड लाइनर लाइट पे रखता हूँ। मैं इस इमेज को थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ। मैं इस ग्लो से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं भी अब ठीक है। मैं इस इमेज के ऊपर और एक कलर स्पॉट देता हूँ, थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। इसका मोड में चेंज करके स्क्रीन पे रखूँगा और थोड़ी ओपेसिटी कम कर दूँगा। इस लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करके मैं स्केल करता हूँ। मैं फिर ज़रा ये ग्लो की सेटिंग को एडजस्ट करता हूँ। Is it okay? No. Now it is okay. तो मैं ज़रा इसका प्लेसमेंट एडजस्ट करता हूँ। Okay, cool. मैं इस इमेज के अंदर जाके गामा को इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये मुझे ठीक लग रहा है। अब हम इसके फेस पे थोड़ी पेंटिंग करेंगे ब्रश से। न्यू लेयर लेता हूँ। अब जहाँ जहाँ लाइट का इफ़ेक्ट देना है वहाँ मैं ब्रश से पेंट करता हूँ। थोड़ा यहाँ भी और यहाँ भी। मैं स्मज टूल से इन्हें स्मज करता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इस लेयर का मोड लाइटन पे रखूँगा ताकि और भी ज़्यादा ब्राइट लगे। तो देखिए मैं किस तरह से स्मज कर रहा हूँ।
इस लेयर को मैं मास्क करता हूँ और जो अनवांटेड पार्ट है वो ब्रश से रिमूव कर देता हूँ। हल्का सा ही रिमूव करूँगा ओपेसिटी कम करके। मैं एक और न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ ग्लो देने का ट्राई करता हूँ। अब मास्क से निचला पार्ट इरेज कर देता हूँ। ओके कूल, थोड़ा यहाँ से भी। मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करके नोज पे और थोड़ा ग्लो देता हूँ सेम टेक्निक से, कुछ इस तरह से। थोड़ा यहाँ स्मर्ज कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ भी। यहाँ मास्क से मैं कुछ पार्ट इरेज करूँगा लाइक दिस। अब मैंने जो फेस पे ग्लो इरेज किया था उसे मैं वापस लाता हूँ नोज के ये हिस्से में। थोड़ा ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। परफेक्ट है। अब मैं हैंड को ग्लो करूंगा। पहले मैं इन लेयर्स को ग्रुप कर देता हूं। अब मैं यहां न्यू लेयर लेके शेप क्रिएट करूंगा जहां हमें ग्लो देना है।
इसको थोड़ा और रेडिश करता हूँ। अब यहाँ न्यू लेयर पे उस शेप को सिलेक्शन करके ब्रश से पेंट करता हूँ। मैं यहाँ ओपेसिटी कम करके लाइटली पेंट करता हूँ। इस लेयर का मोड मैं चेंज करके स्क्रीन में रखूँगा। अब मैं यहाँ एजेस पर व्हाइट पेंट करूँगा कुछ इस तरह से, क्योंकि लाइट जब गिरती है तो एजेस सबसे ब्राइट होता है। यहाँ मैं और एक न्यू लेयर लेके कलर स्पॉट दूंगा और उसका मोड में ओवरलाय में रखूँगा। यहाँ नीचे से मैं इरेज कर देता हूँ मास्क से। अब सिमिलरली हम बाकी फिंगर्स पे भी पेंट करेंगे। यहाँ पे पेंट करना रह गया था। तो अब हम सबसे पहले शेप बनाएंगे, जहाँ हमें पेंट करना है वहाँ। मैं यहाँ पॉलीगोनल टूल का यूज़ करता हूँ। सिमिलरली पेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। बाकी के फिंगर्स के लिए मैं इस ग्रुप को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करके प्लेस करता हूँ। ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका पार्ट टू डाला है। उस वीडियो में मैंने किस तरह से फाइनल आउटपुट दिया है वो ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। थैंक यू।